हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, ट्रेन में यात्रा करते हुए लगभग हर कोई रिजर्वेशन जरूर करवाते होंगे, चाहे वह काउंटर टिकट हो या इंटरनेट से निकाला गया ऑनलाइन टिकट। दोस्तों, ऐसा कम ही होता है कि उन्हें कन्फर्म बर्थ मिल जाए, क्योंकि अक्सर टिकट वेटिंग ही मिलती है और यात्री को उस वेटिंग टिकट को लेकर ही यात्रा करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर रेलवे के स्लीपर कोच में यात्रा कर सकता है कि नहीं, इसके लिए रेलवे के क्या रूल और रेगुलेशन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अगर एक शब्द में आपको सुनना है तो इसका जवाब होगा कि नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको वेटिंग टिकट के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों, रेलवे का वेटिंग टिकट दो टाइप के होते हैं। पहला है रिजर्वेशन काउंटर से लिया गया टिकट और दूसरा है IRCTC की वेबसाइट से निकाला गया ऑनलाइन टिकट। दोस्तों, अब मान लीजिए कि ट्रेन के छूटने के 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होने के बाद अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाती है, तब रिजर्वेशन काउंटर से लिया गया टिकट अपने आप कैंसिल नहीं होता है। इसे ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले कैंसिल करवा कर आपको अपना रिफंड ले लेना होता है। इसलिए नियमानुसार वेटिंग टिकट से स्लीपर कोच या किसी भी आरक्षित कोच में आपको यात्रा करना अलाउ नहीं है। लेकिन इंडिया में इस नियम को मानने वाले बहुत कम ही लोग हैं। इसके अलावे मजबूरी भी उनके साथ होती है, इसलिए उसी वेटिंग टिकट को लेकर वह TT के आगे पीछे स्लीपर कोच में घूमते रहते हैं कि कहीं से कोई गुंजाइश निकल आए। लेकिन ऐसा 1% ही चांस होता है और लास्ट में वह दरवाजे के पास बैठकर अपनी यात्रा करते हैं। लेकिन टीटी चाहे तो उन्हें नीचे उतार सकता है, क्योंकि उनका ऐसा पूरा अधिकार है। दूसरी बात, अगर आपने इंटरनेट से ऑनलाइन टिकट लिया है, तब चार्ट प्रिपेयर होने के बाद अगर वह वेटिंग रह जाता है, तब वह टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और 60 रुपीज काट कर आपका पैसा आपके उसे खाते में भेज दिया जाता है। यहाँ आप पूरी तरह से बेटिकट हो जाते हैं, फिर आपको ट्रेन में चढ़ने का भी अधिकार नहीं रह जाता। यानी कि दोनों ही टाइप के वेटिंग टिकट में नियमतः आप ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हर किसी का यह सवाल जरूर हो सकता है कि इंटरनेट द्वारा लिया गया ऑनलाइन टिकट चार्ट प्रिपेयर होने के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल क्यों हो जाता है, जबकि काउंटर टिकट नहीं होता है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि दोनों ही कंडीशन में रेलवे को वेटिंग टिकट कैंसिल करना है। इसलिए ऑनलाइन टिकट में यात्री का पैसा वापस करना आसान होता है, इसीलिए उनका पैसा वापस करके टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी जेरोक्स कॉपी निकाल कर कोई भी पैसेंजर जनरल कोच में यात्रा ना कर सके। और काउंटर टिकट इसलिए कैंसिल नहीं किया जाता कि जब तक यात्री खुद से उस टिकट को कैंसिल नहीं करवाएंगे, तब तक उनका पैसा रेलवे के पास जमा रहता है। इसीलिए आप उस टिकट से जनरल कोच में तो यात्रा कर ही सकते हैं, क्योंकि रेलवे को इससे कोई नुकसान नहीं है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।